Hello dear students, welcome to English class. So in today's video we are going to study about negative sentences. This chapter is given on page number 83, unit 18. Okay, so students, sentences are either positive or negative, है ना? तो negative sentence कौन से होते हैं? जिन sentences में हम not, no, never use करते हैं ना, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन पेज नंबर 83. ऑन पेज नंबर 83 देर आर सम सेंटेंसेस. ओके, सम एग्जांपल्स गिवन, देर आर 10 सेंटेंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो वी आर गोइंग टू रीड देम आउट, सो यू विल गेट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज सेंटेंसेस. ओके, सो फर्स्ट वन, आई एम इल, है ना? सो आई एम इल, और इसको जब हमने नेगेटिव बनाया है तो क्या लिखा हमने? आई एम नॉट इल. ओके, नेक्स्ट, ही इज बिजी टुडे, सो हाउ विल मेक इट नेगेटिव? बाय एडिंग नॉट. ही इज नॉट बिजी टुडे. हरी इज लेट, हरी इज नॉट लेट. वी आर इल, वी आर नॉट इल. यू आर आइडल, यू आर नॉट आइडल. They are late today, they are not late today. Sita was absent yesterday, Sita was not absent yesterday. We were present yesterday, we were not present yesterday. We shall have a holiday tomorrow, we shall not have a holiday tomorrow. She will visit us next week, she will not visit us next week. Okay? So students, now you have seen कि 1 से लेके 10 तक जो सेंटेंसेस हैं उनमें नॉट नहीं है, दे आर सिंपल सेंटेंसेस. ओके, एंड इन द सेंटेंसेस फ्रॉम ए टू जे, आप देखिए वहां पर हमने उन्हें नेगेटिव बनाए हैं, और नेगेटिव बनाया हमने क्या वर्ड? वी हैव जस्ट एडेड द वर्ड नॉट. सो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो. ओके, सो जो भी हमारे वर्ब्स होते हैं ना सेंटेंसेस में, जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, शैल है ना, विल है, तो ये इनके बाद हम नॉट लगाकर अपने सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. ओके, इन द सेंटेंस 1 to 10 देर इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड इन दैम. सो ये जो होते हैं ना, नॉट है, नेवर है, नो है, ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं जो हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं. तो वेरी, इट्स वेरी सिंपल टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव बाय एडिंग नॉट, नेवर एंड नो. इन द सेंटेंसेस 1 to 10 देर इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड इन दैम, बट इन द सेंटेंसेस ए टू जे हैव अ नेगेटिव वर्ड नॉट इन दैम. सो द सेंटेंसेज ऑन द राइट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. सो जो सेंटेंसेज राइट में हैं जिनमें नॉट लगा हुआ है, वो है आपके नेगेटिव सेंटेंस. ओके, देर आर सम मोर सेंटेंसेज गिवन ऑन पेज नंबर 84 स्टूडेंट्स. नंबर बी, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड. यू आर सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग. ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश. शी वॉज कुकिंग द डिनर इन द किचन, शी वॉज नॉट कुकिंग द डिनर इन द किचन. We were playing in the park, we were not playing in the park. They are visiting us this afternoon, they are not visiting us this afternoon. Okay? So, have you seen this? इसमें भी हमने क्या किया है? Just in sentence में हमने not use कर लिया. Am, are, is, was, were, ये जो सारे verbs दिए गए हैं, इनके बाद हमने not use कर लिया है, और पूरा sentence as it is है. So, in this way we can make the sentences negative. सो इट्स वेरी सिंपल, वेन यू, जब ये आपसे पूछा जाए कि या कहा जाए कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो जिस भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल होगा, वहाँ पर आप उनके बाद नॉट लगा दोगे और सेंटेंस को नेगेटिव बना दोगे. ओके, इन एक्सरसाइज 1 देर आर सम सेंटेंसेस गिवन. ओके, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन. सो अगर इसे हम इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा? You are not a friend of mine. You are not a friend of mine. Next, it is hot today. It is not hot today. It is not hot today. He has an English book. He has his, sorry.
He has an English book, so he has no English book. Okay. They will have a holiday tomorrow. They will not have a holiday tomorrow. Okay. Next sentence is she may pass this year. So how you are going to make it negative? She may not pass this year. Raman can swim very well. So Raman cannot swim very well. I shall go to see my uncle tomorrow. I shall not go to see my uncle tomorrow. You ought to help your poor friend. You not ought to help your poor friend. You must go to your village next week. तो हम इसे negative कैसे बनाएंगे? You must not go to your village next week. Ashok was at our house last night. Ashok was not at our house last night. तो इस तरह से हमने ये सारे sentences negative बना दिए है ना, just not use करके. हम इसमें no भी, जैसे मैंने ऊपर he has no English book वहाँ हमने no use किया. तो not, no, never ये words हम जब sentences में use करते हैं तो हमारा sentence negative हो जाता है. There is one more exercise student that is given on page number 84. So we have done exercise 1. ये जो exercise है ये आपको notebook में करनी है, okay? Because यहाँ पर space नहीं दिया गया है. So first write the question and then the answer, then the question, then the answer. इस तरह से आपको नोटबुक में इसे कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2. दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन द नोटबुक. इट इज सिमिलर टू द एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 के जैसी है. ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड. हमने नॉट यूज किया, उसे नेगेटिव बना दिया, राइट? वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, वी आर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो. ओके, दे वर स्लीपिंग इन द रूम. तो क्या कैसे बनाएंगे हम इसको नेगेटिव? They were not sleeping in the room. Next one, she was talking loudly. She was not talking loudly. Sita is dancing in the garden. Sita is not dancing in the garden. The children are picking flowers in the garden. The children are not picking flowers in the garden. It is raining hard now. It is not raining hard now. They are washing their hands and feet. They are not washing their hands and feet. Meera is visiting us this afternoon. Meera is not visiting us this afternoon. The farmers were plowing their fields. The farmers were not plowing their fields. Okay? So in this way we can make these sentences negative by adding not. So similarly hai, zyada difference nahi hai. So aap exercise 1 or 2 ko 1 hi maniye. बिकॉज इसमें हम नॉट यूज कर रहे हैं और सेंटेंसेस को नेगेटिव बना रहे हैं. नाउ देयर इज वन मोर गिवन, हाउ वी कैन यूज नो इन द सेंटेंस. ओके, अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव, हैड है तो आप उनके साथ नो यूज कर सकते हो. लाइक ही हैज अ पेन. सी क्वेश्चन सी इज गिवन, ही हैज अ पेन, ही हैज नो पेन. आई हैव सम वर्क टू डू, आई हैव no work to do. They have a watch, they have no watch. She had a servant, she had no servant. So the sentences on the right hand side having a negative word no in them are also called negative sentences. तो जिस sentence में no होता है उन sentence को भी हम negative बना सकते हैं. तो इस तरह से हमने जहाँ sentences में has और have था mostly हमने वहाँ पर no use किया है ना, और सेंटेंसेस को नेगेटिव बना दिया. तो एक्सरसाइज 3 भी सिमिलर है स्टूडेंट्स. यहाँ पर टर्न द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ इन सेंटेंसेस में हैज, हैव और हैड है तो आपको यहाँ पर हो सकता है नॉट भी आ जाए, हो सकता और मोस्टली हम नो ही यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में. लाइक फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अ पेंसिल इन माई पॉकेट. आई हैव नो पेंसिल इन माई पॉकेट. हैव के बाद में हम नो यूज करेंगे. आई हैव नो पेंसिल इन माई पॉकेट. पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, जस्ट एड नो. शी हैज अ रिंग ऑन हर लेफ्ट फिंगर. शी हैज नो रिंग ऑन हर लेफ्ट फिंगर. शी हैज नो रिंग ऑन हर लेफ्ट फिंगर. आई हैव सम मनी इन माई पर्स. आई हैव नो मनी इन माई पर्स. ओके, आई हैव नो मनी.
She has a ring on her left finger. She has no ring on her left finger. I have some money in my purse. अब इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे? I have no money in my purse. Then they have a holiday today. They have no holiday today. Okay? He has some money in the bank. He has no money in the bank. Next, the king had a beautiful palace. The king had no beautiful palace. Next one. The queen had some blue diamonds. The queen had no blue diamonds. Okay. Next, she has a watch in her pocket. She has a watch in her pocket. Again, sorry students. She has a watch in her pocket. She has no watch in her pocket. We have a camera at home. We have no camera at home. Ashok has a picture book. Ashok has no picture book. So very simple students. In tino exercise mein, हमने not और no use किया. पूरी exercise as it is है. Just exercise 3 में हमने जैसे some money है तो no money वहाँ use कर लिया है. है ना, तो some की जगह हमने no use किया है. तो इस तरह से सारा sentence as it is रहेगा. There is no change in the sentence framing. Just you have to add not or no to make it negative before the verbs. जहाँ पर भी verbs है ना, after the verbs, sorry. जैसे is, am, are है, was, were है, has, have, had है. तो इनके बाद आपको not और no use करके sentences को negative बनाना है. Clear? Okay. Next, there is question D. Now in these sentences, you can see students. Like I work hard, I do not work hard. He speaks English, he does not speak English. They bathe every day, they do not bathe every day. He played well, he did not play well. We drank tea, we did not drink tea. Did not drink tea, है ना? तो इस तरह से इसमें हमने do not, did not, does not use किया है. कैसे use किया है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. ओके, इसमें थोड़े से changes आए, आपको समझना पड़ेगा. ओके, सो वी विल डिस्कस डी एंड ई इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ ई भी है पेज नंबर 86 पर, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक एक्सरसाइज 1, 2, 3 यू डू इन द नोटबुक. यूज नॉट एंड नो इन योर सेंटेंसेस एंड मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.